कैपेसिटर क्या थे जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर रहे थे, और इसका हमारे पास एक फॉर्मूला आया था कैपेसिटर इक्वल्स टू क्यू बाय में भी चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। अब हम आज के जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के कितने टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास एक नया कॉन्स्टेंट आएगा दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पेपर में जरूर आएंगे। तो अभी के लिए आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो देखिए क्या आया हमारे पास, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर्स में भी टाइप। पहली टाइप हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। पहली टाइप मेरे पास क्या होती है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो क्या बोला हमने सबसे पहली बार, जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं ठीक है, उनके अंदर हमारे पास हम लोग सबसे पहले एक स्फेरिकल, स्फेरिकल हमें पता है कंसीडर कर रहे हैं हम लोग एक स्फीयर, तो उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस या सी की वैल्यू कितनी आती है, वी हैव टू फाइंड इट। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि एक हमारे पास स्फीयर है पूरा का पूरा और उसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही चार्ज प्लस क्यू हमने सपोज कर लिया, लाइक प्लस क्यू चार्ज स्प्रेड ऑन द स्फीयर, तो चार्ज जो है वो पूरे स्फीयर पे क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। विद द सेंटर ऑफ स्फीयर ओ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, रेडियस जो है वो उनके बीच में पॉजिटिव चार्ज स्फीयर और सेंटर के बीच में रिलेशन है। अब क्या हुआ, इसके बाद हमने हमने इसकी निकालनी है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। तो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया कि जो चार्ज क्यू है वो हर एक पॉइंट पर स्प्रेड हो गया, जिसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो हर एक पॉइंट पर सेम हो जाएगा ठीक है। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकाल लीजिए, आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं देखा है अभी तक, उसके लिए डाउटफुल रहने वाला है, तो आपने जस्ट क्या करना है, आई बटन को क्लिक करना, आपके पास प्लेलिस्ट आएगी, उस प्लेलिस्ट में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे जाना है और फटाफट से देखाना है। तो वी क्यू आपके पास क्या हो जाता है, के क्यू बाय आर, वेयर के इज व्हाट, के आपके पास यहाँ क्या होता है, 1/4πε0। सबको पता है k की वैल्यू क्या होती है, फोर्स कॉन्स्टेंट, और इस फोर्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो ये मेरे पास क्या है, एक पॉइंट पर निकाला, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, तो मेरी v की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल्स टू क्यू बाय में वी। सी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, चार्ज बाय में पोटेंशियल। तो चार्ज हमारे पास क्यू है, पोटेंशियल हमें नहीं पता है, तो क्या कर देंगे, क्यू बाय वी, वी की जगह क्या है, के क्यू बाय आर। चार्ज सेम है तो कैंसिल हो गया, के की वैल्यू 1/4πε0 है, जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 4πε0 आर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की। सी क्या है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास 4πε0 r। मतलब क्या आया, जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे किसके, आर के। मतलब अगर रेडियस बढ़ा तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस भी आपकी बढ़ जाएगी, और अगर रेडियस छोटा तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस भी छोटी हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास पहला स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब टाइप ऑफ कैपेसिटर में से पहला जो पार्ट था वो क्या था, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो स्फेरिकल कैपेसिटर की निकालो, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 4πε0 r। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो आपने नोट डाउन करनी है, सी की वैल्यू है आपके पास 4πε0 r। इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन में बोला इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल चार्ज, अगर हमें क्या करना है, एक स्फेरिकल चार्ज आपको दे दिया और बोला कि उसके अंदर रेडियस हम फाइंड आउट करना है, ऐसा ले लेते क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ चार्ज्ड बॉडी ठीक है, और कौन सी चार्ज बॉडी, स्फेरिकल चार्ज बॉडी। एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, उसका आपने क्या निकालना है, चार्ज कैपेसिटी।
पिस्टन ले लो, स्फेरिकल चार्ज के पिस्टन हुज चार्ज इज 1 माइक्रोफेराड, जिसका चार्ज मेरे पास 1 माइक्रोफेराड का है, उसके लिए मुझे क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है मेरे पास 4πε0R। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0R। तो हम क्या कर देंगे, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा 4πε0R। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस हमें को पता चल गया कितना है, 1 माइक्रोफेराड, है ना। फेराड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटर की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइक्रो, माइक्रो में होता है 10⁻⁶ फेराड। अब क्या हो गया, 4πε0, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 1×9×10⁻⁹, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो उल्टे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 9×10⁹। निकालना क्या है, आर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1×10⁻⁶, 9×10⁹, तो वैल्यू आ गई 9×10³, और रेडियस की यूनिट हमारे पास मीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की। आर क्या था, रेडियस ऑफ स्फेरिकल चार्ज कैपेसिटर। तो इस तरह से आपके पास किसी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने जस्ट क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखना है अच्छे से, और साथ ही साथ इसको नोट करते जाना है, और जिससे आपका कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस का जो पहला टॉपिक है, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगले का नाम हमारे पास क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैपेसिटर का नाम क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको आपको बार बार ड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो सिंबल इसका क्या होता है, इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों साइड डंडे लगाते हैं और इक्वल साइज के लगाते हैं। लाइक हम सेल या बैटरी भरते हैं तो क्या होता है, एक बड़ा फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा फिर एक छोटा। जबकि पैरेलल प्लेट में क्या करना है, आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, और इसी को हम क्या कह देंगे, कैपेसिटर। जहां पे भी अब ऐसे ग्रो है, जैसे हमको पता था ना, जहां पे भी ऐसे जिगजैग पाथ आ जाता था तो हम कहते थे रेजिस्टेंस है, वैसे ही अगर आपके पास ये आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इसकी हमारे पास कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस को क्या हो जाएगा, फिर से सी हो गया। अब इस सी का फॉर्मूला क्या होगा, Q/V, है ना। अब हमें इसी की सी को वैल्यू बतानी है कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो फिर से वापस हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेंगे। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करेंगे, एक साइड तो हम इंसुलेटेड कर देंगे इसको, और एक साइड हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्राउंड कर देंगे, जिससे सारा चार्ज स्टोर होकर ग्राउंड में चला जाए। तो ये हमने क्या कह दिया, हमने इसको चार्ज जो है वो कर दिया। तो ये हमारे पास हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसका क्या करना है, कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। इस पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी कहानी है, हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या रिलेशन था, E=dV/dr - dV/dr, यही पढ़ा था ना। हमें तो क्या चाहिए, V का चाहिए टोटल। तो V मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, E×R। अब हम मान के चलते हैं ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, d है, ठीक है। कितना है हमारे पास, d। तो यहाँ पे V का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, E×d, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद रखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस है। अब क्या करना है, सी का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला Q/V, सी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q/V। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं पता, पर मैंने गोज लो निकाला था। गोज लो क्या कहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक के लिए, पैरेलल शीट के लिए, क्या आता है, थिन शीट के लिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
यहाँ पे दो है तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सी इक्वल्स टू, पहले इसमें पुट कर दो ई की वैल्यू क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी, ठीक है सी की सिग्मा इंटू ई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज व्हाट सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है क्यू बाय ए, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। हमें क्या करना है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर निकालना है, तो फॉर्मूला लगाया सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, वी की वैल्यू आई हुई है हमारे पास जस्ट यू हैव टू पुट इन द सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, तो फॉर्मूला क्या है क्यू टी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल सी की वैल्यू क्या आ गई ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया ए मतलब एरिया ऑफ प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी और डी क्या है इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं स्मॉल डी। अब इसी तरह हमारे पास सी की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो ही तरह के मेनली कैपेसिटर होते हैं एक पैरेलल प्लेट और एक हमारे पास स्फेरिकल। स्फेरिकल के लिए हमने अभी देख ही लिया था फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसी तरह इसके लिए भी एक न्यूमेरिकल आ जाएगा लाइक ये दे दिया, बोला इन दो पैरेलल प्लेट के बीच में डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर, ठीक है 2 मीटर इसका डिस्टेंस है। फिर बोला जो एरिया है इसका इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पैरेलल प्लेट इज 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो मेरे पास कितना है इस पैरेलल प्लेट का 4 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, स्मॉल डी क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, निकालना क्या है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, फॉर्मूला क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए की वैल्यू 4 मीटर, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10^-12, ये क्या है वैल्यू आपको याद रखनी थी, जो डी की वैल्यू 2 कैंसिल हो गया ये आ गया हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 10^8 17.70 × 10^12। क्या ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या हो जाए आंसर क्या आ जाएगा फैला, ठीक है। तो इसी तरह के आपने छोटे मोटे न्यूमेरिकल करके देखने हैं क्योंकि ये टॉपिक 3 नंबर में आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और उसका न्यूमेरिकल क्या है, तो आपने फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।